सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कोर्स का 24वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, और या फिर हम कह लें कि अपने जो कैपेसिटर का टॉपिक स्टार्ट किया है उसी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कोर्स के अंदर, उसका चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो कैपेसिटर पे बेसिकली हमारा चौथा लेक्चर है आज। इसके पहले हम लोगों ने कैपेसिटर पे तीन लेक्चर डिस्कस कर लिए, विद न्यूमेरिकल, विद कॉन्सेप्ट्स, विद थ्योरीज, सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। जो जस्ट पिछला लेक्चर था हमारा कैपेसिटर पर, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम लोगों ने दो कैपेसिटर्स को जोड़ा एक कनेक्टिंग वायर से, तो हमने देखा कि इन दोनों, अगर पहले इसका पोटेंशियल V1 था, इसका V2 था, इसके ऊपर चार्ज Q1 था, इस पर Q2 था, इसकी कैपेसिटेंसी C1 थी, इसकी कैपेसिटेंसी C2 थी, तो हम लोगों ने देखा अगर जोड़ दें इसको किसी कनेक्टिंग वायर से तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कब तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है? जब तक दोनों पर चार्ज इक्वल ना हो जाए। ना गलत, जब तक दोनों पर पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, और उस पोटेंशियल को हम लोगों ने क्या कहा था, कॉमन पोटेंशियल, है ना। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला, हम लोगों ने उसको मैकेनिकली समझा कि कैसे बेसिकली ये प्रोसेस होता है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा कि फाइनल चार्जेस दोनों पर क्या होंगे, इस पर चार्ज चेंज होगा, इस पर चार्ज चेंज होगा, दोनों के फाइनल चार्जेस क्या होंगे। उसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला डेवलप किया और बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बनाई कि अगर हमें फार्मूले यूज़ नहीं करना है, हर जगह पर हम लोग फार्मूले तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने देखा कि अगर कैसे बेसिकली ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं और कैसे हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स को में हम लोग ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर पाएंगे। C1 था, C2 था, तो ये भी चेंज हो जाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। C1 और C2 तो किसी सिस्टम का पर डिपेंड करता है, उसके चार पोटेंशियल पर निर्भर नहीं करता है ना, ये तो डायमेंशंस पर निर्भर करता है। तो C1 C2 तो वही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं। तो हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल देखा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, एनर्जी में चेंजेस देखा, एनर्जी का लॉस देखा, एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा एनर्जी में लॉस का, C1 C2 / 2C1 + C2 ΔV2, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या क्या, पहले समझिए क्या क्या सीखेंगे। पहली चीज़ हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई प्लेट्स हैं, समझिए ये अगर इस प्लेट पर चार्ज Q1 है, इस पर प्लेट पर चार्ज Q2 है, किसी भी प्लेट को अर्थिंग अगर कर दें, तो सोचिए इसका कुछ चार्ज इस पर आएगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा, इस पर इंडक्शन वगैरह से, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। तो अगर किसी प्लेट को अचानक से हम ग्राउंड कर दें तब क्या होगा, चार्जिंग का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा पक्का, इस पर कुछ चार्ज कम पड़ेगा, ज़्यादा होगा, इसकी वजह से इंडक्शन से थोड़ा सा इस पर ज़्यादा कम पड़ेगा, पूरे सिस्टम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्जेस का ना। तो अर्थिंग करने से बेसिकली सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो पहली चीज़ हम लोग ये सीखेंगे। दूसरी चीज़ जो हमारा मेन फोकस है आज के टॉपिक पर, आज के लेक्चर पर, वो है ब्रेक डाउन पोटेंशियल, कैपेसिटर का ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेकिंग ऑफ कैपेसिटर। मतलब समझिए, आप जब मार्केट से जाइए कोई कैपेसिटर लीजिए, कैपेसिटर को हम लोग रियल लाइफ में बोलते हैं कंडेंशर, आप लोगों ने देखा होगा रियल लाइफ में, आपके फैन में लगे हुए होते हैं ऐसे, उस पर लिखा हुआ होता है, पहले उसकी कैपेसिटेंसी मेंशनड होती है, कोई कैपेसिटर सपोज 10 माइक्रोफेरड, नीचे वोल्टेज एक लिखा हुआ होता है, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो, ये वोल्टेज बेसिकली होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज का क्या मतलब होता है, इस वोल्टेज से ज़्यादा आप लोग इस कैपेसिटर को नहीं यूज़ कर सकते, इससे ज़्यादा ऊपर अगर कैपेसिटेंस वोल्टेज गया तो कैपेसिटर बेकार हो जाएगा। वही तो हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी डिसाइड होती है ना, अगर इस कैपेसिटेंसी से ज़्यादा उस पर चार्ज हम लोग उसमें भरने की कोशिश करें तो क्या होगा, कैपेसिटर बेकार हो जाएगा। तो ये बेकार होने की प्रोसेस जो है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कैपेसिटर। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ब्रेकडाउन कौन कौन से चीज़ों पर निर्भर करता है ना, क्या इसके फार्मूला है और क्या इसका मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ना, तो हम लोग आज समझेंगे कि बेसिकली जब पोटेंशियल इसकी औकात से ज़्यादा इस पर हम लोग पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, ब्रेकडाउन पोटेंशियल से जैसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है क्या होता है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो ये कंडक्टर के जैसा काम करने लग जाता है, कंडक्टर के जैसा। हम लोग समझेंगे आज अभी क्यों कंडक्टर के जैसा, क्या ऐसा हो जाता है इसमें ना। तो कैपेसिटेंसी बेसिकली उसकी सिस्टम की हो जाती है जीरो, उसकी स्टोर करने की क्षमता हो जाती है बेकार जीरो, और कैपेसिटर हो जाता है हमारा बेकार। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दो चीज़ें हम लोग मेनली सीखेंगे, अर्थिंग और आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन पोटेंशियल, कैपेसिटर का बेकार होना। ठीक है, तो इससे पहले क्योंकि हमारा IIT और NEET वगैरह में जो आपका पास होने का जो आपका की है वो क्या है, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आपको थ्योरीज से आप कभी भी न्यूमेरिकल्स ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बेसिक बेसिक सॉल्व कर पाएंगे, बाकी आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर
न्यूमेरिकल शो हो रहा होगा, पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए न्यूमेरिकल, ठीक से समझिए. फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर कैपेसिटेंस इज सी. द लेफ्ट प्लेट इज गिवन द चार्ज क्यू वन एंड द राइट प्लेट इज अनचार्ज्ड. नाउ स्विच इज क्लोज्ड. एक सिस्टम दे दिया गया आपको, इस पर चार्ज है क्यू वन, इस पर चार्ज है अनचार्ज, इस पर, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया, पॉजिटिव को इस पॉजिटिव वाली प्लेट से जोड़ दिया गया और एक ये स्विच बना दिया गया. कह रहा है स्विच को बंद कर दिया गया, मतलब कि सर्किट कंप्लीट कर दी गई. तब कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है आपसे कि फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू द कैपेसिटर थ्रू द बैटरी. कह रहा है बैटरी से कितने चार्ज का फ्लो होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे, बैटरी से कितने चार्ज का फ्लो होगा. ठीक है, चलिए हम लोगों ने इसको जोड़ दिया. समझिए, इस पर चार्ज Q1 है ना, और ये प्लेट्स कैसी हैं, कंडक्टर प्लेट्स हैं. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो. कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. ठीक है, अब बात समझिए, कैपेसिटर कौन सी प्लेट से बनता है. कैपेसिटर्स आपका, आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा, ये एक शीट थी, ये एक शीट थी, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी. शीट मतलब कैसी, आप समझिए कैसी थी, ये ऐसी शीट थी ना, ये एक ऐसी शीट और एक ये ऐसी शीट, और इधर इनके बीच में पोटेंशियल वी. और अगर इस सिस्टम का कैपेसिटेंस सी है बैटरी से लगाने के बाद, तो इस पर फार्मूला होता था हमारा क्यू इक्वल टू सी इंटू वी. ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है, बैटरी का काम होता है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी जुड़ी हुई है उनके बीच में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना जितना बैटरी का पोटेंशियल है. तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपका V, और अगर C से मल्टीप्लाई करा दे तो आपको चार्ज मिल जाएगा इस पर, इस पर, इस पर प्लस चार्ज सी वी चार्ज क्रिएट कर देगा और इस पर माइनस सी वी चार्ज क्रिएट कर देगा. बात समझ में आई. अब यहाँ पर समझिए, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिन दो प्लेट्स के बीच में जीरो है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा. आप ऐसे समझ लीजिए, ई इक्वल वी इक्वल टू डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी एल होता है. ई तो जीरो है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर का, कंडक्टर हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना. तो इसका पोटेंशियल भी सेम और इसका पोटेंशियल भी सेम, इसका पोटेंशियल भी सेम, इसका पोटेंशियल भी सेम, लेकिन इन दो का थोड़ी ना सेम हो जाएगा, इनका इनका डिफरेंट है. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बेसिकली आएगा वो इन दो प्लेट्स के बीच में आएगा. कितना, इसका पोटेंशियल V है और इसकी सिस्टम की कैपेसिटेंस C है, तो इस प्लेट पर चार्ज कितना बैटरी कर देगा, सी वी, और इस पर कर देगा माइनस सी वी. ठीक है, बात समझ में. इन दो प्लेट्स का, अब कैपेसिटर का काम कौन सी प्लेट्स कर रही हैं, ये दो प्लेट्स, बात समझ में आ गई. तो कैपेसिटर जो सी वी चार्ज क्रिएट करता है वो क्या, बैटरी जो सी वी चार्ज क्रिएट करता है वो कौन सा, जो प्लेट्स कैपेसिटर बना रही हैं, तो इस पर सी वी और माइनस सी वी. अब बात समझिए, कोई ना कोई चार्ज तो बैटरी से फ्लो हुआ होगा. अगर ये कैपेसिटर्स पर पहले चार्ज ना होता, पहले से चार्ज ना होता, तो बैटरी क्या करती, इधर से निगेटिव, इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर इधर पुश कर देती, तो क्या होता, इधर उतना ही पॉजिटिव, इधर उतना ही नेगेटिव, है ना. अब पर इधर क्या है, पहले से ही Q1 चार्ज दे रखा है, तो क्या उतना ही वर्क अभी करना, सी वी चार्ज क्रिएट करने के लिए, अभी पॉजिटिव सी वी क्रिएट करने के लिए टोटल सी वी इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करने पड़ते थे, पर अब क्या टोटल सी वी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने पड़ेंगे, नहीं, थोड़ा सा तो चार्ज इधर से आ जाएगा, थोड़ा पहले से ही Q1 चार्ज है, तो थोड़ा सा ही पॉजिटिव क्रिएट करेगा, तो इधर लगभग लगभग सी वी हो जाएगा. बात समझ में आई. तो अब देखिए, जो सही अप्रोच है न्यूमेरिकल के सॉल्व करने की, वो है आप वीडियो को पॉज करिए, खुद दिमाग लगाइए इस पर. ठीक, खुद दिमाग लगाइए. अगर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता तो आप समझिए कि आपको आखिर क्वेश्चन सॉल्व आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप मेरे वीडियो को आगे देखिए. ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करिए प्लीज़, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है. तो चलिए समझते हैं. तो बैटरी का काम होता है चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना. बैटरी कभी भी अपने अंदर से चार्ज नहीं देती, वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे, एक जगह से चार्ज लेकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती है और उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है. तो हमने माना कोई ना कोई चार्ज बैटरी से ट्रांसफ़र हुआ होगा, हमें नहीं पता कितना. तो फाइनली हम लोगों ने माना कि इधर जो ये Q1 है, Q1 पहले से था इधर, है ना, Q1 था इधर, तो CV आ गया. तो कुछ चार्ज Q1 से आया होगा, कुछ बैटरी से आया होगा, जो भी आया हमें नहीं पता. तो हमने माना CV इधर, Q1 इधर, और चेंज कितना आ गया, X का, इधर Q1 प्लस X. इसके इसमें जो कुछ चार्ज दिया होगा उसका कुछ पार्ट तो इधर आया होगा, कुछ चार्ज पार्ट इधर आया, इधर CV हो गया, और कुछ पार्ट इधर आ गया तो Q1 प्लस X हो गया,
ठीक। अच्छा x को आप माइनस एक्स भी मान सकते हैं, जो भी मानिए आप, फाइनल रिजल्ट में आपका सॉल्व होके आ जाएगा। इधर हम लोगों ने मान लिया y, हमें नहीं पता कि इधर कुछ लोग, आप लोगों ने अगर वीडियो पॉज करके देखा होगा तो आपने बहुत सारे लॉजिक्स लगाए होंगे, इधर x है इधर माइनस एक्स हो जाएगा, इधर माइनस एक्स है तो इधर प्लस एक्स हो जाएगा, ये क्यू वन, बहुत सारे लॉजिक्स लगाए होंगे। पर लॉजिक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको मैथमेटिक्स क्लियर है आपकी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपके लॉजिक्स क्लियर हैं, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं, आप सब कुछ सिस्टम पर छोड़िए, बस आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना स्टार्ट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझिए q1 प्लस एक्स, और इधर हम लोगों ने मान लिया y, हमें नहीं पता क्या है। अब चार्ज तो कंजर्व्ड है सिस्टम का, है ना, अभी चार्ज कंजर्व्ड है सिस्टम का, तो क्या पहले चार्ज टोटल सिस्टम पर चार्ज कितना था, q1, बाद में भी तो q1 चार्ज ही होना चाहिए, कितना हो गया इस प्लेट पर, देखिए कितना आ गया q1 प्लस x, इस पर कितना आ गया प्लस cv, इस पर कितना आ गया माइनस cv, और इस पर आ गया प्लस y। देखिए प्लस cv माइनस cv, q1 कट गया, क्या आया 0 = x + y, तो y = क्या आ गया आपका -x। अगर चार्ज इधर q1 प्लस x है तो इधर y = क्या हो जाएगा -x। बस समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हमारा इस सिस्टम में कितना वेरिएबल रह गया, एक ही वेरिएबल रह गया x। चलिए बात समझते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो इस पर अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर अंदर जीरो होती है, तो जीरो कर लेते हैं। समझिए कैसे, देखिए q1 प्लस x चार्ज की वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, q1 प्लस x अपान 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस प्लेट की वजह से सिग्मा क्या होता है q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो इधर सिग्मा क्या है q प्लस x अपान a, है ना, इसका एरिया, ये एरिया है इसका, सबका एरिया a है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, तो हम लोगों ने इधर की ओर जो पॉजिटिव लिए हैं और इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव लेंगे। अब ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा इधर की ओर क्रिएट करेगा, तो माइनस चार्ज कितना है cv अपान 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस cv ये इधर की ओर ही क्रिएट करेगा, प्लस cv अपान 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये भी इधर की ओर ही क्रिएट करेगा, तो प्लस x अपान 2a एप्सिलॉन नॉट, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जोड़ दी, ये होना गया चाहिए आपका, ये होना चाहिए आपका जीरो। बात समझ में आई, चलिए ऐड करते हैं, 0 = q1 टोटल, सबके बेस इक्वल हैं तो हम लोग जोड़ दें, q1 प्लस 2x cv ऊपर से कैंसिल हो जाएगा अपान 2a एप्सिलॉन नॉट, अब 2a एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दें, क्या हो जाएगा 2x = माइनस q1, x = क्या आ गया माइनस q1 बाई 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस q1 बाई 2, ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा इस प्लेट पर चार्ज, q1 माइनस q1 बाई 2, तो इधर कितना आ गया q1 बाई 2, ठीक, इधर कितना आ जाएगा x की जगह रखिए माइनस q1 बाई 2, इधर हो जाएगा आपका q1 बाई 2, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर, सॉरी q1 बाई 2 q, हाँ ठीक है, देखिए दोनों प्लेट्स बाहर बाहर की ओर कितना है q1 बाई 2 का पॉजिटिव चार्ज, अंदर हो गया आपका cv माइनस cv, ठीक है, सारी प्लेट्स पर आपको जो है चार्ज पता चल गए। क्या मैं इसको रफ कर दूँ, अब हमें निकालना क्या था कि चार्ज बैटरी से होकर के कितना चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ डेल्टा क्यू, कितना चार्ज फ्लो हुआ, समझिए इस प्लेट पर पहले चार्ज क्या था, जीरो, पहले चार्ज जीरो था ना, बैटरी से हम लोगों ने जब सिस्टम जब बैटरी जुड़ी हुई नहीं थी तो इस पर चार्ज जीरो था, अब इस पर चार्ज जीरो नहीं है, अब कितना हो गया आपका चार्ज q1 बाई 2 और ये आपका माइनस cv, ये आपका जो है टोटल चार्ज, इस पर टोटल चार्ज जोड़ने से पहले जीरो था, अब जब हम लोगों ने जोड़ा, अच्छा एक लॉजिक और आप लगा सकते हैं, जब जोड़ा नहीं था, नहीं जोड़ा था तो इस पर प्लस चार्ज q1 था तो इस पर भी कुछ इंड्यूस हुआ होगा, लेकिन इंड्यूस वाला चार्ज आप समझिए, इंडक्शन में जितना पॉजिटिव इंड्यूस होता है उतना ही नेगेटिव भी इंड्यूस होता है साथ में, तो फाइनल चार्ज तो जीरो ही रहा प्लस माइनस, है ना, इंड्यूस वाला, तो जो आपका रियल में चार्ज आया बिना इंडक्शन वाला जो चार्ज ट्रांसफर वगैरह होकर आया, तो फाइनल चार्ज पर कितना दिख रहा है आपको माइनस cv और प्लस ये q/2, तो q/2 माइनस cv, ये चार्ज का अमाउंट जो है वो बैटरी से होकर के फ्लो हुआ होगा, या फिर आपको ऐसे दिया होगा q1 cv माइनस q1/2, जो भी आंसर आपको दिया हुआ है वो आप आंसर लगा लीजिए, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन है? देखिए पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरे में बीच में प्लस है नहीं, चौथा ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, ज़रा सा भी आपको डाउट है, तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखिए स्क्रीन पर आपको विजिबल होने लगा होगा क्वेश्चन। आप मुझे मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हैं, मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप मुझे कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है। टू लार्ज प्लेट्स आर गिवन द चार्जेज एज शोन इन द फिगर। ठीक है, नाउ द लिफ्ट प्लेट अर्थेड फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम द अर्थ टू द प्लेट। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन घर के लिए दूंगा ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझिए, कह रहा है टू इस पर 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, इस पर आई थिंक 6 माइक्रो कूलाम का चार्ज है ना, 4 माइक्रो कूलाम का चार्ज दिया हुआ है, 4 माइक्रो कूलाम। ठीक है, 4 माइक्रो कूलाम, हाँ ठीक है 4 माइक्रो कूलाम। अब हमें पहले से पता है कि ये चार्जेस क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसका कुछ चार्ज इधर आ जाएगा, कुछ चार्ज इधर आ जाएगा, इसका भी कुछ इधर कुछ इधर, है ना। इसका मैंने एक तरीका बताया था आपको पहले, जनरल तरीका। जनरल तरीका क्या था, हम लोग इधर मान लेंगे x, तो इधर कितना बचेगा, इधर हम लोगों ने मान लिया x, तो इधर हो गया आपका 10 माइनस एक्स, है ना। और तो इधर कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स, इधर कितना हो जाएगा 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 प्लस एक्स। ठीक है, इतना चार्ज हो जाएगा। अब देखिए टोटल चार्ज तो 4 क्यों होना चाहिए था, तो दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए तो वो फाइनली तो 4 ही आ जाएगा ना। तो ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। हमें x की वैल्यू नहीं पता होती थी, हम लोग क्या करते थे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर लेते थे। वही फार्मूला जब भी जस्ट पिछले वाले में कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो हमें x की वैल्यू पता चल जाती थी, है ना। पर हम लोग यहाँ पर एक डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। सीखिए, आपको अगर कंपटीशन क्रैक करना है तो आप डायरेक्ट मेथड सीखिए। कैसे, जो आप रिजल्ट लगाएंगे, रिजल्ट आएगा आपको, उसमें आप देखेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ऐसे होता है। बाहर की प्लेट्स पर, ये जो बाहर की प्लेट्स हैं उस पर चार्ज होता है Q1 प्लस Q2 बाई 2। Q1 क्या है आपका 10 माइक्रो कूलाम प्लस 4 माइक्रो कूलाम बटे 2, कितना हो गया आपका 7 माइक्रो कूलाम। तो बाहर आपका होगा 7 माइक्रो कूलाम, इस पर भी होगा 7 माइक्रो कूलाम। ओके, अंदर जो आपका होता है ये होता है आउटसाइड। अब इनसाइड देखिए, इनसाइड जो होता है वो आपको होता है Q1 माइनस Q2 बाई 2। अच्छा, Q1 आप हमेशा बड़े वाले को लीजिए, जो चार्ज ज़्यादा है आपको वही ले लीजिए ना, वो चार्ज ले लीजिए, क्या 10 माइनस 4 बाई 2, तो अंदर क्या हो जाएगा आपका 6 बाई 2, मतलब सॉरी 6 बाई 2 इसको तो आ गया 3 माइक्रो कूलाम। ठीक, तो अगर यहाँ पर आ गया आपको 3 माइक्रो कूलाम और यहाँ पर आ गया आपका माइनस थ्री माइक्रो कूलाम। ठीक है, इस प्लेट की अगर आप लोग के लिए आप लोग निकाल रहे हैं तो आप लोग लगाइए Q1 माइनस 2, जिस प्लेट की ले रहे हैं उसको Q1 मानिए, तो 10 माइनस Q2 4 बाई 2। अब इस प्लेट के लिए अगर हम निकाल रहे हैं इनसाइड में तो आप लोग क्या करेंगे, Q1 इसको मानेंगे, इसको क्या 4 माइनस 10 बाई 2, कितना हो गया माइनस 3। बस समझ में आ गई कैसे निकालेंगे। तो आपके अंदर चार्जेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते ही हैं, हमें पता है कि इक्वल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, सारी चीज़ें हम लोगों ने बात किया था। तो हमें अंदर के सरफेसेस पर और बाहर के सरफेसेस पर हमें चार्ज जो है पता हो गया। ये फार्मूला आप याद रखिए, आप ऐसे निकालेंगे, बाहर के सरफेसेस पर Q1 प्लस Q2 बाई 2, अंदर के सरफेसेस पर Q1 माइनस Q2 बाई 2। ओके, अब हमें निकालना है कि अगर किसी एक प्लेट को अर्थेड कर दे। अच्छा, पहली बात समझिए, अगर इसको अर्थिंग करें पहले न्यूमेरिकल में और दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछें इसको अर्थिंग करें, तो क्या आंसर अलग अलग आएगा, सोचिए। नहीं, आंसर सेम आएगा। क्यों, ये कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर का क्या मतलब होता है, आप कोई भी पार्ट कंडक्टर का अर्थ कर दीजिए, पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, है ना। चाहे इसको आप अर्थिंग करिए चाहे इस प्लेट को अर्थिंग करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा कंडक्टर, एक कोई भी पॉइंट अर्थ कर दिए तो पूरे कंडक्टर को समझ लीजिए आप लोगों ने अर्थ कर दिया ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने माना कि इस प्लेट को यहाँ पर
उसमें उसने कह रखा है कि लिफ्ट वाली प्लेट को अर्थिंग किया, मतलब ये पूरी लिफ्ट प्लेट का कोई भी पॉइंट आप लोग अर्थिंग कर दीजिए, तो हमने माना इसको अर्थिंग कर दिया, तो समझिए क्या होगा, क्या अर्थिंग कर दिया, सोचिए आपका फिर से काम है, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या होगा, फिर आप लोग आगे वीडियो देखिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है तो, समझिए क्या होगा। जैसे हम लोगों ने अर्थिंग किया, अर्थ क्या है, अर्थ में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है भरा पड़ा, अर्थ में इनफिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतना बड़ा अर्थ एक कैपेसिटर जैसा है ना, इसमें बहुत सारा चार्ज है, तो क्या होगा, वो चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा तो प्लेट्स पर आ जाएगा चार्ज, तो क्या करेगा, जितना इस पर इतना चार्ज आएगा कि सारे चार्जेस को क्या कर दे, जीरो कर दे, इतना इनको क्या कर दे, नलीफाई कर दे, इनको आके उतना ही चार्ज इसको जो है गायब कर दे। देखिए 7+3 कितना, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज था, तो अर्थ से कितना आ जाएगा, -10 माइक्रोकूलम, ये हो गया आपका चार्ज टोटल जीरो। समझिए बात समझ में, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर टोटल चार्ज हो गया आपका जीरो। तो ये जो सिस्टम जाएगा ये चला जाएगा आपका ऐसा जीरो, ठीक, और ये कितना है आपका -3 और ये 7, अभी टोटल कितना है 4 है ना, ये हो गया आपका चार्ज जीरो, अब टोटल हो गया आपका 4। अब सोचिए इसको ऐसे समझिए या फिर ऐसे समझ लीजिए, हमें बस ये पता है ना, जैसे जीरो हुआ ये -3 आपका, ये 4, ये आपका 7 है, टोटल चार्ज कितना है +4 माइक्रो कूलाम, तो क्या इधर माइक्रो -4 कूलाम को इंड्यूस करेगा, हाँ इंड्यूस करेगा, 4 माइक्रो कूलाम है इस पर, तो इस वाली प्लेट पर ये क्या करेगा, -4 माइक्रो कूलाम का चार्ज को इंड्यूस करेगा। इंड्यूस कहाँ से हुआ, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए -4 कूलाम, तो इस पर कितना आ जाएगा, 4 माइक्रो कूलाम का इंड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव इधर बना, फिर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अर्थ से, कितने, -4 माइक्रो कूलाम, बात समझ में आ गई, पहले कितने आए थे 10 माइक्रो कूलाम, फिर कितने आए -4 माइक्रो कूलाम, तो अर्थ से जो टोटल चार्ज का निकल कर आए वो कितने हुए, -14 माइक्रो कूलाम। समझ में आया, इसमें कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करने हैं, लॉजिक यूज़ करने हैं। एक बार और बता दूँ, ठीक है, पहले हम लोगों ने किया Q1 प्लस Q2 बाई टू, तो देखिए इसके लिए हम लोगों ने अप्लाई किया Q1 प्लस Q2 बाई टू, तो Q1 को क्या रखेंगे, 10+4/2 हो गया आपका 7। इसके लिए भी अप्लाई करिए, अगर इस प्लेट के लिए Q1 प्लस Q2 बाई, अब Q1 4 मान लीजिए, Q2 10 मान लीजिए, अभी भी 7 आएगा। अब इसके लिए Q1 माइनस Q2, Q1 10 माइनस Q2 6 आया 6/2, तो आ गया आपका 3। इसके लिए Q1 माइनस Q2 माइनस 6/2, तो आ गया आपका -3, बात समझ में आ गई। तो हमें चार्जेस पता चल गए, अब हमें जैसे ही बैटरी सप्लाई करेंगे पूरे चार्ज को जीरो कर देगा बैटरी, अर्थ ये हो गया आपका 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज, 10 कूलाम का नेगेटिव चार्ज आके इसको जीरो कर देगा, टोटल जीरो कर दिया, है ना। आप सोचिए जैसे सिस्टम पर टोटल चार्ज अगर जीरो हो गया, है ना, जीरो हो गया, फिर क्या करेगा, इधर टोटल चार्ज कितना है 4 माइक्रो कूलाम, टोटल चार्ज जितना है, भले ये अलग अलग है इससे फर्क नहीं पड़ता, -3 कूलाम का अगर इधर -3 कूलाम करेगा तो +4 कूलाम का इधर 4 +4 कूलाम भी करेगा, तो रिजल्टेंट जो आपका है वो 4 माइक्रो कूलाम है, तो 4 माइक्रो कूलाम का पॉजिटिव इधर 4 माइक्रो कूलाम का निगेटिव इंड्यूस करेगा, निगेटिव किस डायरेक्शन में, पास में इधर वाली प्लेट में, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो सारा चार्ज इधर से इधर की ओर शिफ्ट करेगा, तो निगेटिव इस पर आ गया 4 -4 माइक्रो कूलाम, और इधर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा उतना ही +4, तो +4 को जाके फिर से इसने नलीफाई कर दिया -4 ले जाके वहां पर, तो कितना चार्ज टोटल अर्थ से फ्लो हुआ, -14 माइक्रो कूलाम। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, अब ब्रेक डाउन पोटेंशियल एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ब्रेक डाउन पोटेंशियल एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, देखिए यहां पर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो शायद आपको विजिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर कोई दिक्कत नहीं, इतनी भी दिक्कत नहीं आएगी कि आपको दिखाई ना पड़े, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बार बार फ्रिक्वेंटली आता जाता रहता है। चलिए समझिए, कोई कैपेसिटर हम लोग लिए, पहले मैकेनिज्म समझिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें हम लोगों ने एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया, इस डायलेक्ट्रिक की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ठीक है, तो हम लोगों को पता था अगर इसका एरिया ए है, ये डिस्टेंस डी है ना, तो
कैपेसिटेंस सिस्टम की क्या होती थी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, है ना। अगर के का है तो हम लोग इसमें देखे थे कैपेसिटेंस की के टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ रखी हैं, के टाइम्स बढ़ जाती है। अब समझिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी क्या होते हैं, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते पर एटम्स तो होते हैं, एटम्स से ही हर चीज़ मिलकर बनती है। सोचिए इसमें एटम्स हैं पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव और ये बाहर निगेटिव, पॉजिटिव ये बाहर निगेटिव। अब जैसे हम लोग इस पर बैटरी अप्लाई करेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग इसकी जनरेट हुई इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को इधर की ओर धक्का देगा, निगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, तो एटम्स जो हैं वो इसके पोलराइज हो जाएंगे। बात समझ में, देखिए न्यूक्लियस को उधर धक्का दे देगा और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा। अब एटम तो टोटल क्रिस्टल लैटिस में बंधा हुआ है, तो अब एटॉमिक लेवल पे पोलराइजेशन होगा, एटम का न्यूक्लियस उधर और ऊपर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो अपनी ओर खींचेगा, तो सभी इधर क्या हो जाएगा अप्लाई करने के बाद प्लस माइनस, ऐसा बन जाएगा सिस्टम, पोलराइजेशन हो गया। ये कैसा पोलराइजेशन, एटॉमिक लेवल पे पोलराइजेशन। अब सोचिए जैसे जैसे आप इसका पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, ये पोटेंशियल आपका जो है वी, ये बढ़ाते जा रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, इन दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो क्या होगा, इनमें पोलराइजेशन और बढ़ता जाएगा, प्लस और उधर जाएगा, निगेटिव और इधर आएगा। तो आप लोग अगर बढ़ाते जाएं पोटेंशियल को, मतलब इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी जहां पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम से निकलकर बाहर आ जाएंगे। अब ये मत कहना कि न्यूक्लियस एटम से ही निकलकर बाहर आ जाएगा, न्यूक्लियस को बाहर निकालने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो अलग पूरा बात है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर से निकलकर, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्लाउड से निकलकर बाहर आ जाएंगे। तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसे लिखना, मैं आपको, आपका अच्छा 8, 9, 10 के बच्चे तो है नहीं कि मैं आपको छोटी छोटी सी लैंग्वेज लिखाना स्टार्ट करूं। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का के एटम्स जो हैं वो ब्रेक कर जाएं, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर आने लग जाएं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। वो अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कंफ्यूज मत होना, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बात समझ में आ गई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर डाइलेक्ट्रिक के एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर आ जाएं, तो वो होती है आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका वी बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है, यूनिट वोल्टेज पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो समझ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए कि ब्रेकडाउन इसका क्या होता है, आई होप कि आपको ब्रेकडाउन वगैरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझिए इस पर वी बाई डी, ठीक है, समझिए अब अगर जैसे इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलकर बाहर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलकर बाहर आ गए, सोचिए इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया सिस्टम में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन सारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तुरंत इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन टोटल इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ क्या होगा, इस प्लेट को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, इस यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इस सरफेस से निकलकर इस प्लेट पर आ जाएंगे, तो इस प्लेट पर आए जैसे इस वायर में आ जाएंगे, वायर से आके इधर आएंगे, इधर से फिर से इलेक्ट्रॉन्स, तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, बात समझ में आई, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या चार्ज यहाँ पर स्टोर रह गया, नहीं, क्योंकि अब तो चार्ज को एक पाथ मिल गया, तो चार्ज अब पूरी सर्किट में मूव कर पाएगा, तो जब ये कुछ स्टोर ही नहीं कर पाएगा, पूरी सर्किट में चार्ज मूव कर रहा है, तो कैपेसिटर किस काम का रह गया, बात समझ में आ गई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसके करेस्पॉन्डिंग जो आपका पोटेंशियल होता है वो क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। अब समझिए ब्रेकडाउन वोल्टेज जो हुआ, ब्रेकडाउन वोल्टेज वो क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, मल्टीप्लाइड बाई डी, डी क्या है, कैपेसिटर की ये
है ना। देखिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, क्लियरली समझिए, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, आपकी मटेरियल पर, जो आपका मटेरियल डायलेक्ट्रिक मटेरियल जिस चीज़ से बना है उस पर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। पर डायलेक्ट्रिक पोटेंशियल ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है, उस पर तो डिपेंड करता है, साथ साथ कैपेसिटर के पैरामीटर पर भी डिपेंड करता है। देखिए डी पर, अगर आप डी को बढ़ा दें, डी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो क्या आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बढ़ जाएगा? बात समझ आई? तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर वो ब्रेक कर जाता है डायलेक्ट्रिक, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, पर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो आपका मटेरियल के साथ साथ कैपेसिटर के पैरामीटर का भी पर भी निर्भर करता है। अब बात समझिए, इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? इस पर बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक कोई कैपेसिटर देगा, उस पर बात करेगा ब्रेकडाउन पोटेंशियल वगैरह की, है सिंगल कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटर पर ब्रेकडाउन पोटेंशियल वगैरह की बात करेगा। और एक एक सिस्टम बना देगा आपको, समझिए, अगर एक कैपेसिटर को कंबाइन करेगा, बहुत सारे कैपेसिटर को जोड़ देगा और कह देगा सिस्टम का अब ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है। सोचिए अगर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 2 वोल्ट है, इसका 3 वोल्ट है ना, तो अगर ऐसे कई सारे कैपेसिटर को जोड़कर एक सर्किट बना देंगे, रियल लाइफ में जो होता है हम लोग बहुत सारे कैपेसिटर को जोड़ के सिस्टम बनाते हैं ना, तो सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा? ऐसे हमें पता है कि ये अगर अकेला है तो 2 वोल्ट की बैटरी से ज़्यादा आप इस पर नहीं लगा सकते, पर अगर इधर 3 वोल्ट का एक और हम लोग 3 ब्रेकडाउन पोटेंशियल का एक और जोड़ देते हैं, तब इस सिस्टम पर क्या होगा, तब इस सिस्टम के कंबाइंड सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे दो ऐसे क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास, समझिए हमारे गांव में क्या होता है कि लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी वो एक स्टेबल नहीं रहती शहरों के जैसी ना, कि 500 वोल्ट 300 वोल्ट आ रहा है तो 300 वोल्ट पे कंटिन्यूसली आता रहे, वो धीमा होता रहता है, तेज़ होता रहता है गांव में। तो हमें कैपेसिटर एक ऐसा चाहिए, हमें एक कंपनी को एक टेंडर देना है कि हमें ऐसे कैपेसिटर्स आप बना के दे दीजिए। सोचिए आपके गाँव में अगर लाइट 200 वोल्ट से 250 वोल्ट तक फ्लक्चुएट करती रहती है, तो आपका कैपेसिटर जो होना चाहिए वो मैक्सिमम उसका बीवी क्या होना चाहिए, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, उसका मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए 250 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा होना चाहिए। 250 तक लाइट जाती है, अगर 250 से ज़्यादा आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है तो कैपेसिटर आपका काम करेगा। उसके बाद हमें जिस कंपोनेंट में लगाना है, जैसे फ़ैन में लगाना है कैपेसिटर, तो उसकी फिक्स्ड हमें कैपेसिटी का भी चाहिए। हमने कंपनी को बता दिया कि हमारे यहाँ लाइट जो है 250 वोल्ट तक जाती है, तो उसका बीवी 250 रखना, और कैपेसिटर जो हमारा वो है 6 माइक्रोफैरड का हमें जो है कैपेसिटर बना के दे दो। ये हमने कंपनी को टेंडर दे दिया। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि अब देखिए कंपनी क्या करेंगी, कंपनी घाटे का सौदा तो करेंगी नहीं, तो वो कैपेसिटर आपको छोटा से छोटा बना के देंगी, ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी हो जाए और कैपेसिटर छोटा से छोटा भी बने, उसको मटेरियल्स कम लगाना पड़े, है ना। तो कंपनी क्या करेगी, आपका क्वेश्चन जो है कि मिनिमम पॉसिबल डी और ए क्या होगा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने का आपने टेंडर दिया है, तो मिनिमम पॉसिबल डी और इसका एरिया ए आपको जो है कैलकुलेट करके बताना है इस डेटा से, ठीक है। चलिए समझिए, आप सोचिए कंपनी जो आप कैपेसिटर बनाएगी तो उसमें डायलेक्ट्रिक मटेरियल जो यूज़ करेगी, तो वो एक फिक्स्ड टाइप का डायलेक्ट मटेरियल यूज़ करेगी जो इन सारी संभावनाओं को क्या है पूरा कर दे, है ना, इन जो सारी पॉसिबिलिटीज जो आपने बताई हैं इनको पूरा करे। तो सोचिए क्या होगा, क्या करेगा वो, बीवी क्या होता है आपका, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज आप लिखेंगे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस डी, ये कितना होना चाहिए आपका 250 से ज़्यादा। अब सोचिए डी कितना होना चाहिए आपका, 250 बटे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब कंपनी यूज़ कर रही है जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल, उसको डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पता है, उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पता है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, तो वो तो कंपनी के हाथ में है। तो अब कंपनी कैसा मटेरियल यूज़ करना चाहेगी, ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहेगी डी को छोटा रखने के लिए, कि जिसका ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, बहुत पावरफुल बीच में डायलेक्ट्रिक मटेरियल भरेगी, जिससे कि क्या हो, देखिए जितना ज़्यादा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, डिनोमिनेटर ज़्यादा, उतना छोटी ये क्वांटिटी हो जाएगी, उतना छोटा क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक। तो ये अगर जितना ज़्यादा छोटा उतना छोटा आपका डी, ठीक है। तो डायलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा यूज़ करती हैं कंपनियाँ जो बहुत ज़्यादा उसका, ताकि हमें डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो हमारी डी क्या रहे, छोटा रहे,
तो समझिए डी यहाँ से आप डिसाइड कर लेंगे, डी इस क्वांटिटी से या तो बराबर हो या तो बड़ा हो। तो मिनिमम डी क्या हो सकता है, तो अगर आप डी मिनिमम लें तो डी मिनिमम आपका हो जाएगा 250 बटे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर, डी मिनिमम आपका मिल गया। अब आपको कैपेसिटेंस दी हुई है, कैपेसिटेंस को आप लोग क्या लिखते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कंपनी ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर के दिया है वो। ठीक, तो आप देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको ए बाय डी इधर रखें तो उधर क्या हो जाएगा, सी अपान के एप्सिलॉन नॉट, सी आपको दे दिया गया है 6 माइक्रोफेरेड अपान के एप्सिलॉन नॉट, के भी आपको पता है और एप्सिलॉन नॉट भी आपको पता है, दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो आप यहां से क्या मिल गया आपको, ए बाय डी, है ना, यहां से हमें मिल गया ए बाय डी। अच्छा, यहां से देखिए आपको डी मिनिमम भी मिल गया, तो ये डी मिनिमम के करस्पॉन्डिंग इसको डी को उधर भेज दें तो ए आपको आया जाएगा 6 माइक्रोफेरेड अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्या है आपका 250 बटे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो बात समझ में आया। अब ये अगर डी की वैल्यू छोटी है तो ए की वैल्यू भी छोटी होगी, तो डी मिनिमम के करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा आपको, ए मिनिमम। बात समझ में आई, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसमें कितने तरीके से क्वेश्चन वो बना सकता है, वो क्या करेगा, सारा डाटा दे देगा आपका, क्या गायब कर देगा, डायरेक्टली स्ट्रेंथ गायब कर देगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटी इतनी है, उनके बीच की डिस्टेंस इतनी है, ए आपको दे दिया जाएगा, बीच की डिस्टेंस दे दिया जाएगा और सब कुछ दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछ लेगा कि डायरेक्टली आपको कॉन्स्टेंट दे दिया जाएगा, तो कहेगा कि उस ऐसा कैपेसिटर बनाने के लिए हमारे जो डायरेक्टली यूज़ हुआ है उसकी डायरेक्टली स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो आपको इस फॉर्मूले से लगाकर डायरेक्टली स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक, इसी तरह कुछ और गायब कर देगा, कहीं ए गायब कर देगा, कहीं आपको क्या गायब कर देगा, आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट गायब कर देगा, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे देगा, सब कुछ दे देगा, तो आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन समझिए। अब ये दो आगे के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए। अब हम करेंगे एक सिस्टम बनाएंगे, रियल लाइफ में हमारे कई सारे कैपेसिटर्स बनते हैं तो हमें कंबाइंड बीवी पता होनी चाहिए, मतलब कंबाइंड जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज पता होना चाहिए। समझिए, एक कैपेसिटर हमें ऐसा दे दिया गया, कह दिया गया इसका 3 वोल्ट जो है क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इसकी इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो आप सोचिए इस पर आप मैक्सिमम बैटरी जो अप्लाई कर सकते हैं वो कितना अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 3 वोल्ट, 3 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर अब हमने इसके सीरीज में एक और कैपेसिटर ऐड कर दिया, बात समझ में, हमने एक और कैपेसिटर इसके साथ में ऐड कर दिया। इसका जो है कोई हमने लोगों ने लिया बीवी इसका है 8 वोल्ट और इसकी कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो कह रहे हैं आप इसका, इस पर हमें जो बैटरी अप्लाई कर सकते हैं वो कितने मैक्सिमम वोल्ट की अप्लाई कर सकते हैं, ये वो जो मैक्सिमम वोल्ट अप्लाई करते हैं कर सकते हैं किसी सिस्टम पर, वही क्या कहलाएगा, सिस्टम की कंबाइंड सिस्टम की ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हमें इस बैटरी का वोल्टेज पता करना है मैक्सिमम। ठीक, यही वी मैक्स हमारा क्या होगा, सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। समझिए, इस कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज क्या हो सकता है, क्यू मैक्सिमम, क्यू मीन्स होता है क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, सी कितना है इसका 5 माइक्रोफेरेड, और इस पर मैक्सिमम पोटेंशियल क्या हो सकता है 3 वोल्ट, तो 5 × 3 = 15 माइक्रो कूलम। क्यू मैक्स इस पर कितना हो जाएगा 15 माइक्रो कूलम। इसी तरह इस पर क्यू मैक्स क्या हो सकता है, क्यू मैक्स हो सकता है 4 × 8 = 32 32 माइक्रो कूलम। इस पर 32 माइक्रो कूलम हो सकता है मैक्सिमम चार्ज, और इस पर मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, 15 माइक्रो कूलम स्टोर कर सकता है। पर आप एक चीज़ समझिए कि हम लोग जो किसी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी क्या करता है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकालेगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा वो इस बैटरी इस पर दे देगा उतना ही इधर निगेटिव। अब ये निगेटिव इस पर कितना, उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस करेगा और ये उतना ही इधर निगेटिव इंड्यूस कर लेगा। समझ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि सीरीज में चार्ज जो है पूरी सर्किट में क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, तो इस पूरी सर्किट में चार्ज कैसा रहेगा, एक जैसा, ये तो हमें बताता है कि मैक्सिमम ये कैपेसिटर स्टोर कितना कर सकता है। तो चार्ज पूरे सिस्टम में होना चाहिए एक जैसा, पर जैसे ही इस सर्किट में चार्ज कितना हुआ 15 माइक्रो कूलम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये
ब्लास्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेकार। तो 15 माइक्रो कूलाम ही हमें सर्किट में फ्लो करवाना, इससे ज़्यादा फ्लो हम करवा नहीं सकते। तो 15 माइक्रो कूलाम करवाएंगे फ्लो, ठीक है, बात समझ में। तो आप समझिए पूरे सिस्टम में हमारा जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना है, 15 माइक्रो कूलाम। सोचिए क्यू सिस्टम ये हो गया हमारा 15 माइक्रो कूलाम, और क्यू टोटल जो है ये क्या होता है, सी टोटल इंटू वी। क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी तो होता है टोटल सर्किट में, अगर हमारा चार्ज पता है हमें तो टोटल सर्किट की का कैपेसिटेंस इंटू जो हमारा पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तो अब सोचिए सी टोटल, सी टोटल और सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, दोनों सीरीज में हैं तो सीरीज में आप लोगों, मैं अभी आगे चल के अब आपको बोल रहा डिटेल में, आगे लेक्चर्स यही स्टार्ट होने वाला, ये आपका लास्ट लेक्चर है, इस पर आगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, पैरेलल में ऐड करेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे ना। पर अभी आप समझिए कि सीरीज में अगर कैपेसिटर्स हों तो उनको हम लोग 1/C इक्विवेलेंट होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। सीरीज में कैपेसिटर को उल्टा करके जोड़ते हैं, ठीक। तो इनका सोचिए रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस हो जाएगी हमारी 15, इनकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 4 प्लस 5 माइक्रोफेराड इंटू वी, ठीक है। ये आपका क्या निकल आएगा, 15 माइक्रो कूलाम, ये इधर हो जाएगा ना माइक्रो कूलाम, ये आ गया आपका 4 × 5 = 20, ये हो जाएगा 15 × 5 = 9 × 4 = 20 बराबर वी इक्वल वी मैक्सिमम, ये आ गया आपका बीवी। यही आपका हो गया ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ सिस्टम, ठीक, बात समझ में आई कैसे हमने निकाला ये, आई होप कि क्लियर होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ इस प्रोसीजर क्या है, आपको मैक्सिमम चार्ज निकाल लेना है, कौन से देखिए अब दोनों कैपेसिटर की स्टोरेज निकालना है, कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं सीरीज में, ठीक। फिर जब आपको चार्ज मिल जाए तो आपको पता है कि पूरी सर्किट में एक ही चार्ज राउंड करता है, पूरी सर्किट में एक ही तरीके का चार्ज होना चाहिए, है ना। तो जो मिनिमम चार्ज है उतना वो चार्ज आपको इक्विवेलेंट ले लेना कि उस सर्किट में उससे ज़्यादा चार्ज हम फ्लो नहीं करवा सकते। अब उससे ज़्यादा चार्ज फ्लो नहीं करवा सकते तो अब वही सी इक्विवेलेंट हो गया, क्यू इक्विवेलेंट हो गया, और क्यू इज इक्वल टू होता है हमारा सी इंटू वी। बात ऐसे समझिए, सिर्फ एक कैपेसिटर लगाया तो इस पर चार्ज कितना बहेगा, क्यू इज इक्वल टू सी, टोटल सिस्टम की सी क्या है, ये एक ही कैपेसिटर है, और इंटू वी जो हम लोगों ने यहाँ लगाया। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज होता है टोटल कैपेसिटेंसी इंटू वी, तो इसी तरह से इस सिस्टम का टोटल चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंसी टोटल इंटू वी, वी अप्लाइड, है ना। तो बात समझ में आ गई, क्यू हमें पता है और सी इक्विवेलेंट पता है, तो वी हमें जो है निकल आएगी यहाँ से। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, मैं हिंट दूंगा आपको न्यूमेरिकल का आंसर सॉल्व करके, मुझे नीचे उसमें देना है कमेंट बॉक्स में, आप मुझे कमेंट करेंगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए समझिए, हम लोगों ने क्या किया, एक ये कैपेसिटर लिया, एक ये कैपेसिटर लिया, एक ये कैपेसिटर लिया, और इसको हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया सर्किट में ऐसे करके, ठीक है। इसको हम लोगों ने दे दिया आपका 10 माइक्रोफेराड, 7 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, इसका बीवी दे दिया हमने 4 वोल्ट, इसका हम लोगों ने दे दिया 8 वोल्ट, और इसका हम लोगों ने दे दिया 2 वोल्ट, ठीक है। अब सिस्टम का आपको कंबाइंड वी बतानी है, आपको सिस्टम का कंबाइंड या फिर वी मैक्स लेना या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको बताना है, सिस्टम पर हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज कितना अप्लाई कर सकते हैं। तो हिंट ऐसे समझिए, एक क्वेश्चन अगर इससे पहले एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करिए, ठीक, एक क्वेश्चन इसके पहले ये वाला सॉल्व करके देखिए, इसका है बीवी आपका 5 वोल्ट और इसका बीवी आपका 3 वोल्ट, ये है 15 माइक्रोफेराड का, ये है आपका 5 माइक्रोफेराड का, इस पर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हैं, सिस्टम का बीवी आपको कैलकुलेट करना है। तो समझिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस अगर कैपेसिटर्स हमारे कोई भी चीज़ अगर पैरेलल में है तो उस पर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, इक्वल, पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल इक्वल होता है ना। तो ये दो पैरेलल पे है तो इस पर पोटेंशियल और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पर जो है क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इस पर पोटेंशियल 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस प्लेट पर इस प्लेट पर 5 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता, इस प्लेट पर मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर
प्लेट्स इसी से जुड़ी हैं, इन पर 5 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो सकता, इस पर 3 वोल्ट से पोटेंशियल ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता इस पॉइंट पर, समझ रहे? तो मतलब इस पॉइंट पर फाइनली क्या है, 3 वोल्ट से ज़्यादा अगर पोटेंशियल हम लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से ज़्यादा हो जाएगा, इधर भी 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से ज़्यादा ये तो झेल लेगा पर ये नहीं झेल पाएगा, समझ रहे हो? तो इस पॉइंट पर 3 वोल्ट से पोटेंशियल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सोचिए इस ये देखिए जीरो से जुड़ी है, ये जीरो और यहाँ पर मैक्सिमम कितना होना चाहिए 3, तो मतलब हम लोग 3 से ही ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर सकते। तो पैरेलल में अगर कैपेसिटर हैं तो जिसका बीवी कम है वही बीवी आपका जो है फाइनल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समझिए इस सिस्टम का, देखिए इस सिस्टम का बीवी क्या हो जाएगा, किसका कम है 2 वोल्ट, इसका बीवी, इसका 8 वोल्ट है, है ना? तो हम इसका, इस सिस्टम का बीवी क्या हो गया 2 वोल्ट, बात समझ में आई? तो इसको हटाइए आप, 7 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दीजिए जिसका बीवी कितना है 2 वोल्ट, और कितना था यहाँ पे 7 माइक्रोफैरड था और ऊपर कितना था 2 माइक्रोफैरड आई थिंक ना। तो अब दोनों पैरेलल में थे तो सी इक्विवेलेंट इस सिस्टम की हो जाएगी 7 प्लस 2, 7 प्लस 9 माइक्रोफैरड, ठीक। मैं एक्चुअली भूल गया कि पैरेलल में मैंने कितने लगाए थे, यहाँ पे पैरेलल था ना सर्किट, पैरेलल सर्किट था, तो मैंने इसको मान लिया 7, इसको मान लिया 2, ठीक है, कोई भी सिस्टम रहो। तो दोनों आपको पैरेलल के कैपेसिटर्स जोड़ लेने हैं, 7, 2, 9, तो इसका सिस्टम का जो आपको इक्विवेलेंट हो गया 9 माइक्रोफैरड और ये हो गया आपका बीवी जो है 2 वोल्ट। अब ये प्रॉब्लम हमारी कैसी हो गई, पिछली प्रॉब्लम जैसी, दोनों कैपेसिटर्स हो गए सर्किट में, तो जो पीछे आप लोगों ने तरीका अप्लाई किया था वही तरीका आप लोग आप यहाँ पर अप्लाई करिए और आंसर को फाइंड करिए। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे यहाँ तक, तो जितने भी मैंने पढ़ाए, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ब्रेकडाउन वोल्टेज का, ब्रेकडाउन कैपेसिटी वगैरह को, डायलेक्ट्रिक कैपेसिटी वगैरह कैसे हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में, कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।